सतीश पूनिया हरियाणा के प्रदेश प्रभारी बनाए गए। विधानसभा चुनाव से पहले मिली बड़ी जिम्मेदारी, राजस्थान में नहीं की गई नियुक्ति। विधायक भाटी ने RCDF को कहा राजस्थान चोर डाकू फेडरेशन, बोले ठेकेदार करोड़ों रुपए लेकर भागे, अभी तक रिकवरी नहीं। डोटासरा बोले किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी ने नहीं दिया सम्मान, कहा उनका कद बड़ा, इस्तीफा वापस नहीं लेंगे। PCC चीफ की पत्नी ने लिया रिटायरमेंट। राजस्थान के 300 बच्चे हर साल विदेश में फ्री पढ़ेंगे, 200 स्टूडेंट्स को देश की नामी संस्थानों में भेजा जाएगा, गहलोत सरकार की योजना में बदलाव। बजराल सरकार ने शुरू की नियुक्तियां, लाठर मुख्य सूचना आयुक्त, 2 पूर्व IAS, 1 लो सर्विस रिटायर्ड अफसर को सूचना आयुक्त बनाया। सीमा की निगरानी में तकनीक पर देंगे जोर, BSF IG ने भारत पाक सीमा का किया दौरा, तनोट में शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। सहकारी बैंकों में MD की नियुक्ति के लिए अब RBI की मंजूरी जरूरी। राहुल गांधी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से मिले, ट्रेन ड्राइवरों ने ज्यादा काम और कम आराम की शिकायत की, कल मजदूरों से मिले थे। असम में बाढ़ में अब तक 56 की मौत, MP राजस्थान सहित 17 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, कश्मीर में हीट वेव। इंडिया जिम्बाब्वे के बीच पहला T20 आज, 2015 से जिम्बाब्वे में सीरीज नहीं हारी इंडिया, रियाग प्राण अभिषेक शर्मा का हो सकता है डेब्यू। रोहित बुमराह प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नॉमिनेट, ICC ने जून महीने के लिए 3 नॉमिनेशन का ऐलान किया, अफगानिस्तान के गुरबाज भी शामिल। वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया को 11 करोड़ देगी महाराष्ट्र सरकार, CM शिंदे का ऐलान, कप्तान रोहित शर्मा, सूर्या दुबे और जायसवाल को सम्मानित किया। दुनिया की पहली CNG बाइक बजाज फ्रीडम 125 लॉन्च, पेट्रोल CNG टैंक फुल कराने पर 330 किलोमीटर चलने का दावा, कीमत 95,000 रुपये। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा नीट एग्जाम रद्द करना तर्कसंगत नहीं, कई कैंडिडेट्स का हित खतरे में पड़ जाएगा, एंटी बोला बड़ी गड़बड़ी नहीं हुई।